हेलो एवरीवन, मेरा नाम है किरण और आज के इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं कुछ क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि किसी भी टेक रिलेटेड क्वेश्चन का मैं यहाँ पर आंसर करूँगी, देन आई एम सो सॉरी, ऐसा नहीं होने वाला है। कोई टेक वीडियो देखनी हो तो चैनल के बाकी के वीडियोज़ आप चेकआउट कर सकते हो। बट इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं सारी मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझसे बहुत बार, आई मीन टू से हर एक वीडियो के नीचे ऐसे क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाते हैं जो मैं हर टाइम इग्नोर करते हुए आई हूँ। आज तक मैंने इन क्वेश्चंस को कभी भी एक्नॉलेज नहीं किया है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है यार कि मेरी इतनी बड़ी फैमिली बन चुकी है यूट्यूब पर, जो कि मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करती है, इतना ज़्यादा प्यार देती है, तो अब तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है और आप लोगों का भी हक बन गया है कि आप लोगों को इन क्वेश्चंस का आंसर मिलना चाहिए ताकि आप लोग मुझे और भी अच्छे से जान पाओ। तो शुरू से शुरुआत करते हैं कि आखिर मैं हूँ कौन। मैक्सिमम लोग तो शायद जानते होंगे कि मेरा नाम किरण है और मैं कोटा राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। आई मीन मेरा मोस्टली बचपन वहीं पर बीता है। और होता है ना ऐसा, जहाँ तुम रहते हो उसी के आजू बाजू वाले स्कूल में तुम पढ़ रहे होते हो। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। घर के जस्ट सामने मेरा स्कूल था और वहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग करी, यानी कि नर्सरी से लेके प्लस टू तक मैंने कोटा में ही एजुकेशन ली है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन यानी कि मैंने बीटेक किया हुआ है NIT हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से, और यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। 4 साल यहीं पर बिताए हैं। इसके बाद फॉर्चुनेटली मेरा प्लेसमेंट हो गया था लुधियाना की एक कंपनी में और वहाँ से फिर जॉब चेंज करते करते अभी मैं दिल्ली में पहुँच चुकी हूँ और यहीं पर रह रही हूँ और साथ में यूट्यूब भी कर रही हूँ। मुझे हर एक वीडियो के नीचे अभी तक भी, मैं जितने भी अपने टेक वीडियोस अपलोड करती हूँ, जितने भी कमेंट्स होते हैं, मैक्सिमम कमेंट्स मेरी फिंगर्स को लेके पूछे जाते हैं। एंड एक सरप्राइज चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। ये बहुत ही फनी इंसिडेंट हुआ था एक बार मेरे साथ। मैंने गूगल पे ऐसे ही अबाउट टेकी किरण सर्च किया था और टेकी किरण का जो नेक्स्ट सजेस्टेड वर्ड जो लिखा हुआ आ रहा था वो था फिंगर्स। मुझे बहुत ऐसे शॉक लगा कि यार कितने सारे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्यूरियस है मेरी फिंगर्स के बारे में जानने के लिए। और अब मतलब जहाँ मेरे साथ इतने सारे लोग जुड़ गए हैं जो मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो बीइंग अ फैमिली मेम्बर ऑफ इतनी बड़ी यूट्यूब की फैमिली, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के साथ मैं इस चीज़ को अब डिस्कस कर सकती हूँ। तो मैंने देखा है काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है यहाँ पर कि मेरे साथ कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है या फिर कोई ऐसा हादसा हो गया है जिसमें मेरी उंगलियाँ कट गई है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जब से मैं पैदा हुई हूँ यानी कि बाय बर्थ मेरी फिंगर्स ऐसी ही है। अब बाय बर्थ क्यों ऐसी है, ये कोई मेडिकल इशू हो सकता है, वो क्या इशू है इसके बारे में मुझे डिटेल में ऑनेस्टली नहीं पता है, बट हाँ बाय बर्थ मेरी फिंगर्स ऐसी ही है। अब जिस तरह से लोग अपनी 10 उंगलियों के साथ काम करते हैं, जिस तरह से वो अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज्ड टू होते हैं हर चीज़ को, हर काम को करने में, मैं भी एग्जैक्टली मैं उसी तरह से यूज्ड टू हूँ। हर एक काम मैं अपने अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेती हूँ। काफ़ी लोगों को लगता होगा कि यार मैं अपनी लाइफ कैसे मैनेज करती हूँ, कैसे चीज़ों को होल्ड करती हूँ, कैसे मैं डेली वर्क या फिर जो भी नॉर्मल हाउस होल्ड का वर्क होता है वो करने में मुझे स्ट्रगल होता होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हो सकता है आपका, लोगों का काम करने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट हो सकता है और मेरे काम करने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। हो सकता है अगर आप लोग मुझे काम करते हुए देखो तो आपको लगे कि शायद मैं एबनॉर्मल तरीके से ये काम कर रही हूँ। और मेरे साथ भी ऐसा होता है, जब मैं देखती हूँ जिसको नॉर्मल 10 फिंगर्स है वो कोई काम करते हैं तो मुझे वो थोड़ा सा एबनॉर्मल तरीका लगता है। तो ये बोलते हैं ना कि अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रस्पेक्टिव है, बट हाँ जिस तरह से आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी लेते हो उस तरह से मैं भी जी लेती हूँ, तो मुझे अपनी डेली लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। एंड बाय द वे बता दूँ कि मुझे कॉलेज से पास आउट हुए ऑलमोस्ट 3 साल हो गए। 3 साल से मैं अपने घर से दूर अकेले रह रही हूँ, तो इसी चीज़ से आप लोग आइडिया लगा लो कि मेरी लाइफ एकदम नॉर्मल चल रही है। बट
इसका मतलब ये नहीं है कि इन फिंगर्स की वजह से मुझे कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं हुआ है। देखो, लाइफ में जो भी काम करने के तरीके हैं उसको लेके तो डेफिनेटली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। प्रॉब्लम कहाँ हुआ है? प्रॉब्लम एग्जैक्टली मुझे वहाँ फेस होती है जब मैं किसी जगह पर विज़िट करती हूँ। सपोज़ अगर मैं किसी पार्टी में जा रही हूँ, या फिर मैं ट्रेन में, बसेस में, किसी पब्लिक प्लेस में अगर मैं ट्रेवल कर रही होती हूँ, तो काफ़ी बार ऐसा होता है, ये ऑब्वियस चीज़ भी है, लोग अगर किसी एबनॉर्मल या फिर कोई ऐसी चीज़ को देख लेते हैं जो कि जिसको देखने के लिए वो नॉर्मल वे में यूज़ टू नहीं है, तो काफ़ी बार लोगों के थोड़े से लाउड रिएक्शंस हो जाते हैं। और उन लाउड रिएक्शंस की वजह से काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि कोई स्ट्रेंजर मेरे पास आके डायरेक्टली पूछ लेता है कि ये क्या हो गया, और वो भी बहुत शॉक होके। तो वो एक मोमेंट होता है जो थोड़ा सा ऑकवर्डनेस क्रिएट कर देता है। वैसे तो मैं इन चीज़ों को लेके भी थोड़ा सा यूज़ टू हो चुकी हूँ, लेकिन होता क्या है ना कि हर एक इंसान अलग है, हर किसी का रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है। तो अभी भी कई बार जब मैं किसी पब्लिक प्लेस में जाती हूँ और लोग अगर मुझे देखते हैं, अगर नोटिस में आ जाती हैं ऐसी चीज़ें, तो वो थोड़ा सा लाउड और वियर्ड तरीके से रिएक्ट कर देते हैं, जो कि ऑकवर्डनेस क्रिएट कर देते हैं। अदर देन दैट मेरी लाइफ में कोई बदलाव नहीं है। मुझे लगता है मैं नॉर्मल ज़िंदगी जीती हूँ जैसे आप लोग जीते हो। तो अभी आप लोगों का कंसर्न ये हो सकता है कि पूरी 3 साल के करियर में अभी तक नहीं बताया तो अब क्यों बता रही है। तो यार, पहली चीज़ तो ये है कि मुझे ना काफ़ी सारे लोग कंसर्न से ऐसा कमेंट करते हैं कि कहीं आपके साथ कोई हादसा या कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था। तो उन लोगों को बता दूं कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, बाय बर्थ ये चीज़ हुई है। दूसरी चीज़, मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ जो कि बाय बर्थ डिफरेंटली एबल्ड है, या फिर लाइफ की किसी एज पर आके किसी एक्सीडेंट की वजह से उनकी बॉडी में कुछ हो गया है और उसकी वजह से अगर उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डगमगा गया है और वो ये सोच रहे हैं कि अब मैं अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बॉडी में ये चीज़ नहीं है, या फिर मैं इस सर्टेन वे में दिखता नहीं हूँ, या फिर मेरे कलर, या फिर मेरे साथ कुछ भी एक्स वाई जेड चीज़ है जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस कम है और इस वजह से मैं चीज़ें अचीव नहीं कर सकता हूँ, तो यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने शिद्दत से अपने मन से किसी चीज़ को सोचा हुआ है, आपका कोई ड्रीम है और अगर आप उसके पीछे काम कर रहे हो, तो आप हर एक चीज़ अचीव कर सकते हो अपने पैशन से। तो बिलीव मी, ये जो भी अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है ना, बस आपको अपनी कॉन्फिडेंस को सही ट्रैक पर लाने की ज़रूरत है। आप हर एक चीज़ नॉर्मल इंसान की तरह अचीव कर सकते हो, तो डिस्करेज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आई नो कुछ लोग होते हैं जो कि आपको पुल बैक करेंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग आपको सपोर्ट करेंगे और मोटिवेट करेंगे कि आप अच्छा काम करते जाओ। तो उन लोगों के लिए मैं बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि बस आप लोग अपना काम करते रहो, आप अपने ड्रीम्स को डेफिनेटली अचीव कर लोगे।